लतीफ क्राउडर और लतीफ क्राउडर डॉस सेंटोस एक ब्राज़ीलियन अमेरिकन एक्शन स्टंटमैन और मार्शल आर्टिस्ट हैं। वो सन 2000 से जीरो ग्रेविटी स्टंट टीम के मेंबर भी रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी ढेर सारी शॉर्ट वीडियोस और डेमो रील्स में भी काम किया है, जैसे कि इनमेट 451। तो इस लिस्ट में हम लतीफ क्राउडर की उन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जिनमें इन्होंने अपनी स्किल्स को काफ़ी डिसेंट अंदाज में शोकेस किया है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं इस लिस्ट की पहली मूवी की तरफ। इस लिस्ट की पहली मूवी है टेकन, जो 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 4.8। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ड्विट एच लिटिल। ये मूवी फाइटिंग गेम सीरीज टेकन पर बेस्ड है और इस मूवी में जॉन फो ने जिन कजामा का रोल निभाया है, जो अपनी मदर जुन के मर्डर का बदला लेने के लिए आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। इस मूवी में कैपुएरा फाइटर एडी गोर्डो का रोल लतीफ क्राउडर ने निभाया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है फैल्कन राइजिंग, जो 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8। इस मूवी के डायरेक्टर है आर्नी बारबोराज। इस मूवी में फैल्कन का रोल माइकल जे वाइट ने निभाया है और उस ग्रुप को खत्म करने में लग जाता है जो उसकी सिस्टर की मौत का जिम्मेदार है। इस मूवी में लतीफ ने एक कॉप का रोल निभाया है। इस लिस्ट की अगली मूवी है टॉम यू गुंग और द प्रोटेक्टर, जो 2005 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.1। इस मूवी के डायरेक्टर है परचाया पिनकाओ। ऑंग बैक की सक्सेस के बाद टोनी जा ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स को अगले लेवल तक की पेश किया और इस मूवी में टोनी जा ने काम नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, जो अपने चोरी हुए हाथियों को ढूंढने के लिए सिडनी ऑस्ट्रेलिया जाता है। लतीफ और टोनी के बीच फाइट सीन एंटरटेनमेंट लेवल को इन्हेंस करता है, लेकिन चोट के कारण लतीफ के फाइट सीन को काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया था। इस लिस्ट की लास्ट मूवी है अनडिस्प्यूटेड 3 रिडम्पशन, जो 2010 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है 7.4। इस मूवी के डायरेक्टर है आइसैक फ्रोंटाइन। ये अनडिस्प्यूटेड मूवी का सीक्वल है जिसमें बोयका का रोल स्कॉट एटकिंस ने निभाया है। इस मूवी में लतीफ ने एक ब्राज़ीलियन कैपुएरा फाइटर का रोल प्ले किया है, जो जेल से बाहर रिलीज होने के लिए बोयका से फाइट करता है। तो ये थी लतीफ क्राउडर की कुछ टॉप मार्शल आर्ट मूवीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक्शन मार्शल आर्टिस्ट मूवी स्टार के साथ।